ये क्या लिखा हुआ है? टिक द करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। समझाया क्या मतलब हुआ? जो करेक्ट है, करेक्ट मतलब जो सही है, उस पर क्या करना है? टिक लगाना है। टिक किसको बोलते हैं? ऐसे। और क्रॉस किसको बोलते हैं? ऐसे। जो सही है उस पर टिक लगाना है, जो गलत है उस पर क्या करना है? क्रॉस लगाना है। ये सब क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस को हमको पढ़ना है, पढ़ने के बाद देखेंगे कि सही है कि वो गलत है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज दिस? लिली प्ले गार्डन। इज दिस अ सेंटेंस? क्रॉस। क्रॉस? नो। इज दिस इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज कोई इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, लिली प्ले गार्डन को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? क्रॉस। क्रॉस, वेरी गुड। क्या है यहाँ पे देखिए? रेड शर्ट हैज रमन। रेड शर्ट हैज रमन। लाल शर्ट, शर्ट मतलब क्या होता है? ये कमीज। हैज रमन, रमन का कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मीनिंग हुआ। तो ये क्रॉस होगा या टिक होगा? क्रॉस। ये सेंटेंस गलत है ना, इसलिए क्या होगा यहाँ पर भी? क्रॉस होगा। वेरी गुड। क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक मतलब? क्लॉक मतलब घड़ी। वेरी गुड। हैज नंबर्स। क्लॉक, क्लॉक के ऊपर नंबर होता है, सही है गलत? सही। क्लॉक के पास नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक नंबर लिखा रहता है ना उस पे? तो क्लॉक के पास नंबर्स होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। ओके, अब ये बताइए, आई पढ़िए तो। I am 6 years old. Is this sentence correct or wrong? सही। सही। Yes. Correct है। तो इस पर क्या निशान लगेगा? Yes. टिक का निशान लगेगा ना? टिक या क्रॉस? टिक। ठीक है? ये निशान टिक का होता है, ये क्रॉस का होता है। एग्जाम में इस तरह से आपका आएगा सवाल, ये लिखा रहेगा, पहले आपको इसको पढ़ना है। टिक द करेक्ट सेंटेंसेस। जो करेक्ट सही सेंटेंस है उस पर टिक लगाना है, और जो गलत है क्रॉस द रॉन्ग वंस, जो गलत है उस पर क्रॉस लगाना है। ओके, तो ये चारों में हम लोग देखें कि लिली प्ले गार्डन क्रॉस लगेगा, रेड शर्ट हैज रमन क्रॉस लगेगा। ये इसका सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस होगा रमन हैज रेड शर्ट, ये सही है। लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, रेड शर्ट हैज रमन, ऐसा नहीं होता है। पहले होगा रमन, फिर हैज, फिर रेड, फिर शर्ट, तब सही हो जाएगा। इस सेंटेंस को अगर हम लोग करेक्ट करना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, रमन हैज रेड शर्ट। अगर ऐसे लिखा रहता बेटा तो ये सही होता है। समझ में? ऐसे लिखा रहता रमन पहले, फिर हैज, फिर रेड, फिर शर्ट, तो सही हो जाता। लेकिन ये गलत तरीके से लिखा, इसलिए वो गलत है। ठीक है, ठीक। इसी तरह देखिए, ये सही लिखा हुआ है, क्लॉक हैज नंबर्स, सेम उसी तरह क्लॉक लिखा है, फिर हैज लिखा है, फिर नंबर्स लिखा है, ये भी सही है। अगर ये ऐसे लिखा रहता एम आई ईयर सिक्स ओल्ड तो ये गलत हो जाता। ऐसे अगर लिख दें हम आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड आई, तो ये गलत है कि सही है? गलत, क्योंकि सही तरीका ये है, आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड। समझ गए? तो इतना सीख गए, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं, क्या लिखा है पढ़िए बेटा? ये टुडे। टुडे इज। टुडे इज। इज दिस अ सेंटेंस? नो। नो, इट्स क्रॉस। तो क्या होगा यहाँ पे? क्रॉस। 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 ये पढ़िए। व्हाट इज दिस? आर ए आई एन R A I N I N G. Raining. Very. Very. Heavily. Heavily. No. No. It's not a sentence. Okay. You want to tell me? I like to play. Is this a sentence? No. Why? Uh-huh.
इस सेंटेंस सही है, आई लाइक टू प्ले, ठीक है, मैं खेलना पसंद करता हूँ। प्ले लाइक टू आई लिख जाता गलत, गलत हो जाता, ठीक है, ये सही पैटर्न में लिखा हुआ है, एक सही वे में लिखा हुआ है, आई लाइक पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, आई लाइक टू प्ले, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर प्ले टू लाइक आई ऐसे रहता तो गलत हो जाता है, ओके, ठीक है, यहाँ समझ में आया इतने दूर? तो ये आपका क्या हुआ कि करेक्ट सेंटेंस समझ में आया, करेक्ट और सही सेंटेंस क्या होता है। तो आज हम लोग का इंग्लिश का क्लास जो है यहीं पे खत्म होता है, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं EVS, ओके, कोई दिक्कत, कोई समझने में प्रॉब्लम है, समझ आ गया ना आसानी से, एग्जाम में कर लोगे तो, ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, 5, 6, 7 यहाँ तक, 6 तक हो गया है, 7 कर लीजिए, हाँ तो 6 कर लीजिए, ओके।